या कोई मिल गया तुम्हें जो तुम्हारी ख्वाहिशें और जरूरतें दोनों को पूरा कर रहा है। इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतना गुस्सा मतलब मैं सही कह रहा हूं, कोई तो है जिसके साथ ट्रीट्स हो रही है आजकल। वाह सुपर्ब, लोग बिल्कुल सही कहते हैं, जो खुद जैसा होता है बिल्कुल वैसा ही सोचता है। मुझे अपने जैसा समझो, हाँ? मुझे खुद की तरह समझा तुमने? वैसे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कर रही थी और किसके साथ ट्रीट कर रही थी, क्योंकि तुम खुद शादीशुदा होकर एक दूसरी औरत के साथ रह रहे हो और जो ये पैसे का घमंड है ना तुम्हारा, वो भी उसी दूसरी औरत का है। और रहा सवाल मेरे बच्चों के स्कूल के फीस का, उनकी जरूरतों का, तो उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। तुम ऐसा समझ लो कि 9 महीने कोख में रखकर अगर एक माँ अपने बच्चे को पाल सकती है, उसे जन्म देने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, तो वो अपने बच्चे के लिए ना कुछ भी कर सकती है। पैसे का प्यार तुम्हें मुबारक कुलदीप चड्ढा, क्योंकि मैं पैसे के लिए तुम्हारी तरह ना झुकूंगी और ना अपने बच्चों को झुकने दूंगी। दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। पुरानी वाली शुभ्रा नहीं हूं मैं, जो तुम्हारे प्यार में पागल होकर पूरी दुनिया को भुला चुके थे। मैं आज की शुभ्रा हूं, जो उल्टा जवाब दे भी सकती है और हाथ मेरा भी उठ सकता है। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट एड लेकर आइए।